युवक की लाठी डंडे एवं सरिया से पीट पीट कर की गई हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ भावना शेखावत। बाराबंकी जनपद के सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा और आमों से है, जहां के दीपक यादव की उसी गांव के किशन यादव की पत्नी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी किशन को लगते ही उन्होंने दीपक को अपने घर बुलवाया और अपने भाई एवं पत्नी के संग उसकी लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटे हैं। घटी है कैसे आपको सूचना का प्रोग्राम था कल? किस चीज का प्रोग्राम था? देवता रहे लड़का की हमका 11 बजे फोन करें सुरेंद्र, कहें अपने भाई के यहाँ से ले जाओ आए। हम लोग लेटे रहें तो कहाँ से ले जाए, कहें यहाँ कृष्ण के घर से ले जाओ। हम यहाँ से अकेले गए, साथ में भाई के लड़का और रहे, सबका भला हुआ। सब लोग गए हुआ तो इनके पोजीशन ज़्यादा ख़राब है, चोट खाए रहे तो एक उनके घर के तटिया जो पड़ी रही वैसे ही पड़े रहे। तो हम पाचे इनका लात फान के लाइन के घर के तटिया पास कृष्ण के, वहाँ से इनका लात के लाइन लादने के बाद कल प्रोग्राम रहा, हाथों खाली रहा, व्यवस्था कुछ भय गाड़ी घोड़ा दाम के ले जाए, तैयारी भी तो ले काम। अच्छा, अस्पताल नहीं ले जा पाए? कहाँ ले जा पाए? अच्छा, क्या किसी ने इसको मारा है? हाँ, अब हम गए जब मौके पर इनका लावे तो चार लोग थे। कौन कौन थे, क्या नाम है? सुरेंद्र, कृष्ण, चंदन और कृष्ण के वाइफ। मारने वाले में कौन कौन थे? अब मारने वाले साथ चारों लोग डंडा ले रहे हैं, अब किसने मारा पता नहीं। सुरेंद्र, कृष्ण और चंदन। चंदन कौन? चंदन उनका भाई। और तो ये सब लोग कृष्ण की वाइफ, ये कृष्ण की पत्नी का नाम है, उनका नाम नहीं पता। तो ये सब लोग आपको फोन किए हैं? हाँ, सुरेंद्र हमका फोन करें, कहें अपने भाई का ले जाओ। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ? फिर आप लेकर आए? तो फिर लेकर आए तो दर्द की दवाई दी। इसको सूचना दिया नहीं? नहीं दी। कितने बजे लेकर आए इनका? लेके सर तो 12:30 बजे। 12:30 बजे पुलिस को सूचना नहीं दी? नहीं। ये इन दर्द के इनका दवाई दी इनका, व्यवस्था के इनके गाड़ी घोड़ा का डॉक्टर कई बजे हुए? सुबह 3:30-4 बजे हुए। तब तक पुलिस को सूचना नहीं दी? नहीं। जब इनका ले जाए गाड़ी, पुलिस कैसे आई यहाँ पर? उनका फ़ोन किया। फ़ोन किया? फ़ोन नंबर तो हमारे रहा, मगर बात हमारे भाई के लड़का किया, राजन भैया नंबर दिन रहा है। तो 112 को डायल किया गया या थाने को? ऐसे थाने को, थाने को डायल। अच्छा, पुलिस कितनी देर बाद आई है? अब तो आने में उनका जितना टाइम लगा हो, 40 मिनट, आधा घंटा, जो कुछ लगा हो। इस पर क्या आप किसी को ऊपर शंका है? किसी मतलब उनको मारने में किसी को ऊपर शंका? मारने में दुश्मनी थी पहले कोई? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं रही किसी, कोई दुश्मनी? हमारे सबकी कोई दुश्मनी नहीं रही। ये कहाँ रहते थे पहले? इंदौर में। इंदौर में कब आए हुए? इंदौर संडे का, संडे को आए हुए। हाँ, तो क्या बीमार वगैरह तो नहीं थे? कुछ नहीं, बीमार होते तो वो ही ना करती। वहाँ क्या करते थे? वहाँ सुबह न्यूज़पेपर बांटा था, शाम का पल्लेदारी का, नहीं हाकर का काम करते थे। ये थाना सुबेहा का ये गाँव ओहरा मऊ है, यहाँ के रहने वाले दीपक यादव जिनकी उम्र लगभग 30 साल है, ये इंदौर में पहले रहते थे, कोरोना काल में यहाँ आ गए, और इन्हीं के गांव का एक किशन यादव है, ये भी इंदौर रहता था। और कल रात में इन लोगों का आपस में झगड़ा हुआ। बताते हैं कि दीपक का इनकी वाइफ के साथ कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था, और ये लोग यहाँ पर ये आया किशन जब, तो ये यहाँ पर मिला, और पहले से भी कुछ इनकी इसी मामले को लेकर कहा सुनी हुई थी, फिर यहाँ पे इन्होंने इसको मारा पीटा। मारने पीटने के बाद इसमें सिर में भी कुछ चोट आ गई थी, और इन्होंने पुलिस को कोई सूचना नहीं दी, ना तो मृतक को ये हॉस्पिटल ले गए, और बताते हैं कि वो सुबह तक होश में था, बातचीत भी कर रहा था, और सुबह करीब 6 बजे इन्होंने थाने सुबह को सूचना दी। सूचना पर तत्काल सुबह पुलिस मौके पर पहुँची, फोरेंसिक टीम भी आ गई है, और बॉडी का परीक्षण कर लिया गया है, और तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, और 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और अभी एक अभियुक्त की और आरोपी की तलाश की जा रही है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। धन्यवाद।
एम न्यूज 24 के लिए वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।